खबर बलिया जनपद से है, जहां दिनांक 6/11/2020 थाना क्षेत्र सिकंदरपुर व दिनांक 19/1/2021 थाना क्षेत्र रसा में घटित लूट की घटनाओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर बिपिन ताड़ा के निर्देशन में थाना प्रभारी एवं स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन कर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी रसा व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा धरातली एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान यह ज्ञात हुआ कि यह एक सातरी अभियुक्तों का गिरोह है, जो बलिया, गोरखपुर, मऊ एवं आसपास के जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी है स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक रसा सौरभ राय की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे कि प्रभारी निरीक्षक रसा सौरभ राय को सूचना मिली कि अभियुक्तों का गिरोह कार से गोरखपुर लूट की घटना को अंजाम देने के पश्चात कहीं पलायन करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रसा सौरभ राय मय फोर्स के साथ टेढ़ी पुलिया सिधागर घाट पर चेकिंग करने लगे। इस दौरान एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, जिसमें बैठे बदमाशों द्वारा गाड़ी को रोककर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा युक्ति टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए कार में बैठे हुए चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए चारों व्यक्तियों से नाम पता पूछने होते हुए जामा तलाशी ली गई, तो चारों व्यक्तियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस संबंध में अभियुक्त गणों पंकज राय वो पुत्र वशिष्ठ राव, नागेश्वर सिंह पुत्र प्रदीप सिंह, अतिकुल्ला सिद्दीकी पुत्र मोमिन सिद्दीकी, असलम अली पुत्र सरफुद्दीन के विरुद्ध थानों पर पंजीकृत विभिन्न अभियोगों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रसला थाना पुलिस और स्वाट टीम ने कल रात्रि में एक i20 कार में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 52,000 रुपये, एक तमंचा, चार मोबाइल, आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में जानकारी हुई कि ये चारों बदमाश जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं और आसपास के जनपदों जैसे गोरखपुर, बलिया, मऊ, महाराजगंज इत्यादि में घूमकर ये घटनाएं करते हैं लूट की। इसमें इनका मुख्य मोडस ऑपरेंडाई यह है कि यह बैंक के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, विशेषकर जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको किसी बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बंधक बनाने के बाद उनसे पैसे लूट कर उन्हें छोड़ देते हैं। इनके कई मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। इनके जो गैंग का सरगना है, पंकज नाम का युवक, कुशीनगर जनपद का रहने वाला है और यह अभी 4 महीने पहले ही लूट के कई मुकदमों में जेल गया था। 4 महीने पहले छूट के आया है, जिसके बाद इसने ये घटनाएं अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देना शुरू किया है। इनके जो अन्य साथी हैं, उसके बारे में पुलिस ने पूछताछ कर रही है और उनकी भी जानकारी कर गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इन चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है।